बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार बहुत ही जल्द पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस कटौती से पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 10 रुपए की कमी आ सकती है। यह भी बताया जा रहा है कि कटौती का कुछ हिस्सा ऑयल मैनेजमेंट कंपनियों की ओर से आएगा। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने दाम घटाने के अलग अलग विकल्प भी तैयार कर लिए हैं, जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और सूत्रों के मुताबिक कुछ ही दिनों में इसे लागू भी किया जा सकता है, जिससे कीमतें घट जाएंगी और संभावना है कि नए साल में लोगों का इसका फायदा भी मिलना शुरू हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि लंबे वक्त से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं, इनकी कीमतों में ना ही कमी हुई है ना ही कीमतें बढ़ी हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम हुई है और फिलहाल ब्रेंट जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत $78 प्रति बैरल के करीब है। ऐसे में अब इसका लोगों को फायदा देने की तैयारी लगातार की जा रही है और हो भी सकता है कि जल्द ही इसकी शुरुआत की जाए। वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसके लिए खाका भी तैयार कर लिया है। हालांकि इससे पहले 22 मई 2022 यानी कि करीब 1.5 साल पहले केंद्र सरकार की पहल पर पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए थे। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से में आने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम किया था, जिसके बाद पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हुआ था और डीजल की कीमत 6 रुपए कम हुई थी। तो वैसे तो आपको बता दें कि 1.5 साल से कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन पेट्रोलियर कंपनियों की अधिकतर आपको बता दें उनका अधिकार भी यही है कि वो हर दिन कीमतें तय कर सकती हैं। आपको ये भी बताते हैं कि फिलहाल कहां कहां पर पेट्रोल कितने रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है, ग्राफिकली आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि कुछ ही दिनों में अच्छी खुशखबरी आ सकती है। अटकलें लगी कि 29 दिसंबर की बैठक में नीतीश कुछ बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। सूत्रों ने खबर दी कि ललन सिंह को पार्टी अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि उनकी नजदीकी आरजेडी से बढ़ गई है और जेडीयू में इस खींचतान का असर दिल्ली में दफ्तर के बाहर लगे पोस्टरों में दिखा। एक नया पोस्टर जो पार्टी दफ्तर के बाहर लगाया गया, उसमें नीतीश की तारीफों के पुल बांधे गए थे, लेकिन ललन की तस्वीर इन पोस्टरों से नदारद थी और इसी बात ने जेडीयू में कुछ बड़ा होने का संकेत दिया, क्योंकि ललन सिंह पार्टी अध्यक्ष हैं और उनकी तस्वीर किसी भी नए पोस्टर में नहीं थी। जो भी नए पोस्टर लगाए गए हैं उसमें ललन सिंह कहीं नहीं दिख रहे। हालांकि इन पोस्टरों में नीतीश का खूब गुणगान किया गया। इनमें कई पोस्टरों में तो नीतीश अकेले ही नजर आए और दूसरे पोस्टरों में उनकी और पार्टी के दूसरे पदाधिकारियों की तस्वीर थी। ललन सिंह की तस्वीर केवल पार्टी के पुराने पोस्टरों में ही नजर आई। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि नीतीश बिहार की राजनीति से निकलकर केंद्र की सियासत करना चाहते हैं। क्योंकि दिल्ली में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगी इन तस्वीरों में कई पोस्टर इस बात के संकेत दे रहे थे। एक पोस्टर में नीतीश की तस्वीर के नीचे लिखा था, प्रदेश ने पहचाना है, अब देश भी पहचानेगा। तो वहीं एक दूसरे पोस्टर में नीतीश की तस्वीर के नीचे लिखा था, आइए बेहतर दिल्ली के लिए साथ चलें। और इसीलिए ये पोस्टर चर्चा में आ गए, क्योंकि पोस्टरों में लिखे स्लोगन पढ़कर लगा कि नीतीश बिहार से निकलकर केंद्र की सियासत में कदम रखना चाहते हैं। अटकलें लगी कि ललन सिंह का पत्ता इसी चक्कर में भी कट सकता है और इस बात का माहौल 29 दिसंबर की बैठक से पहले ही बनने लगा।